श्रेषि मैंने कितने ऐसा है, अभी हम कुछ वर्ड मीनिंग करने जा रहे हैं तो ध्यान से सुनना उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। श्रेषि तुमको क्या पता है भले ही? भले ही को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चलो मैं बता देती हूँ, भले को भले ही या हालांकि को इंग्लिश में कहते हैं दो। क्या कहेंगे? दो, ठीक है। उसके बाद अगर कोई आपसे कहता है उसके बाद, उसके बाद को इंग्लिश में क्या कहेंगे? नॉर्मल। बुद्धू देयर आफ्टर, क्या कहेंगे? देयर आफ्टर, ओके। या कहेंगे उसके अलावा, उसके अलावा, उसके अलावा को इंग्लिश में क्या कहेंगे बताओ बताओ? उसके अलावा को इंग्लिश में कहेंगे मोर ओवर, क्या कहेंगे? मोर ओवर, क्या कहेंगे बताओ बताओ? मोर ओवर, यस। अच्छा, अगर आपसे कोई कहता है चूंकि अब, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? चूंकि और अब को? नहीं पता। अच्छा चलो मैं बता देती, चूंकि और अब को कहेंगे नाउ दैट, क्या कहेंगे? नाउ दैट, नाउ दैट। हाँ। या आपसे कोई कहता है उसका, क्या कह रहे हैं? उसका, उसका को इंग्लिश में क्या कहेंगे? देयर ऑफ, क्या कहेंगे? देयर ऑफ। उसका को इंग्लिश में क्या कहेंगे? देयर ऑफ। या कोई आपसे कहता है जिसके चलते, ठीक है, तो जिसके चलते को इंग्लिश में क्या कहते हैं शेषी? जिसकी चलते को इंग्लिश में कहेंगे देयर बाय, क्या कहेंगे? देयर बाय। जब तक, जब तक को क्या कहेंगे इंग्लिश में? जब तक को इंग्लिश में क्या कहेंगे बताओ बताओ? पता है शशि? जब तक को इंग्लिश में कहेंगे अनटिल, क्या कहेंगे? अनटिल, ओके। अगर आपसे कोई कहता है केवल, तो केवल को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? अरे बता दो ना। नहीं पता। अच्छा मैं बता देती, केवल को इंग्लिश में कहते हैं ओनली इफ, क्या कहेंगे? ओनली इफ। या आपसे कोई कहता है जब तक की नहीं, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? नहीं पता। चलो मैं बता देती हूँ, जब तक की नहीं को इंग्लिश में कहेंगे अनलेस, क्या कहेंगे? अनलेस, क्या कहेंगे? अनलेस। या कोई आपसे कहता है जहां कहीं भी, तो जहां कहीं भी को इंग्लिश में क्या कहेंगे बताओ शशि? बुद्धू जहां कहीं भी को इंग्लिश में कहेंगे वेयर एवर, क्या कहेंगे? वेयर एवर, ओके। तो आपको समझ में आया? समझ में आ गया? ओके।